हाउ डू सी लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, इन दोनों क्लब करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई? अब लॉरेंस का आप 14 महीने से ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखा सकते कि लॉरेंस डायरेक्ट तरीके से किसी के साथ टच में था। यहां तक कि आप 14 महीने के अंदर ये भी नहीं दिखा सकते कि लॉरेंस का कोई पर्सनल रिलेटिव वाला भी उससे मिलने के लिए गया, कि जो दो शूटर्स या तीन लोग जो बाबा सिद्दीकी को मारना है वो कभी जिंदगी में फेस टू फेस मिले भी नहीं होंगे लॉरेंस से। दुनिया के अंदर सबसे आसान है जेल से क्राइम ऑपरेट करना। तो वो आदमी जेल में बैठे बैठे पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है, उसका इंटरव्यू वायरल हुआ, दुनिया ने देखना शुरू किया, भाई वो तो जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहा है, जेल में तो उसके ये है करके, वो अपने फायदे के लिए दे रहा है। जेल के अंदर ऐसा, अगर वो वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है, वो मोबाइल उस तक पहुंचा है वो कितने लेयर्स को पार करके गया है। भारत सरकार ने इतने पैसे खर्च कर रखे हैं जैमर्स के ऊपर, लेकिन जब आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपका जैमर्स काम नहीं करता। उस टाइम कोई ना कोई तो आदमी होगा जो उस टाइम जैमर्स को उसने स्विच ऑफ किया होगा। बहुत बड़े बाहुबली भी जो यूपी की सरकार चलाते थे, उनको मैंने मैगी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए देखा है कि मैगी बनवा दो करके। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय मेरे साथ फ्रेम में है लकी बिस्ट। उनकी ख्याति अगर बात की जाए क्या है, तो उनके साथ कई सारी उपमाएँ चस्पा हैं, जैसे वो एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, वो आरएडब्ल्यू के मिस्क के साथ भी काम कर चुके हैं, आरएडब्ल्यू जिसको शॉर्ट में हम एक्रोनिम को जिसको रॉ भी कहते हैं उसके साथ काम कर चुके हैं, और साथ ही राजनाथ सिंह और पीएम मोदी और प्रकाश सिंह बादल के सिक्योरिटी डिटेल्स को लीड भी कर चुके हैं। और उनकी ख्याति ये भी है कि इंडिया के फाइनेस्ट स्नाइपर मैन में उनका नाम गिना जाता है, और टैलेंट टॉप पे उनसे एक लंबी बातचीत पहले हमारे साथ ही निखिल ने की हुई है। तो इस बार ललन टॉप में फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब प्लीज कॉल मी सिद्धांत। नहीं सिद्धांत जी, बिल्कुल, मतलब वो सर की आदत बचपन से ही लगी हुई है, जब से फोर्स ज्वाइन किया तो सर हटता ही नहीं है सर। तो कितना भी नाम बोलूंगा तो दोबारा भी सर में ही आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसा होता है? हैबिट हो गई ना सर, मतलब जब से आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपसे जाएगी ही नहीं। हाउ डू यू सी लॉरेंस बिश्नोई सर? सॉरी, मेरा एकदम, मैंने पहला ही सवाल नहीं, मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ सर, मतलब अगर आप गूगल का कीवर्ड देखो सबसे ऊपर ही चल रहा होगा, हर सोशल मीडिया पर चीज़ है, मतलब जहाँ भी आप न्यूज़ देखो वहाँ पर एक ही नाम चल रहा है इस टाइम तो। लेकिन एक्चुअली क्या देखें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो भी पब्लिक है कि लॉरेंस के ऊपर वैसे तो 79 केसेज हैं आज के टाइम में, शायद अगर बाबा सिद्दीकी वाला ऐड नहीं हुआ, अभी महाराष्ट्र पुलिस ने ऐड नहीं किया केस, लेकिन विद इन मतलब 4 महीने 6 महीने साल भर से ही, मतलब ऐसा पब्लिक को कि क्यों? क्योंकि टारगेट एक्चुअली क्या है कि एक टारगेट अगर आप सिद्धू मूसेवाला देखें, ठीक है, जहाँ पर पंजाब पुलिस ने बोला है कि इसमें सिद्धू मूसेवाले का मतलब हत्या में लॉरेंस का हाथ है, फिर आप सुखदेव सिंह गोगामरी का देखिए, ठीक है, अगर आप जस्ट अभी बाबा सिद्दीकी वाला, उसके बाद सलमान के घर में फायरिंग का, मतलब वो तो सर बिल्कुल, लेकिन अभी तक आप लॉरेंस को अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो 2010 से आई थिंक जब वो पढ़ रहा था चंडीगढ़ कॉलेज के अंदर, तो डायरेक्ट उसके ऊपर कोई केस नहीं है, सिर्फ एक ही 307 का 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ही एक केस है, जितने भी उसके ऊपर केसेस लगे हैं सब 120 ही लगे हैं, 120 भी ही लगे हैं, क्योंकि देखो हर केस को प्लानिंग ही है ना। मुझे नहीं लगा 2010 या 11 12 के बाद वो कभी जेल से बाहर आया करके, और अभी जो 14 महीने के अंदर जो लास्ट तिहार से उसको साबरमती जेल लेकर गया जी। तो उसमें बहुत सारी रैंडमली बातें आ रही है लोगों की कि ये सब जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। देखो जेल से ऑपरेट होता है ऐसा नहीं है, कि मैं मानता हूँ कि जेल से बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। आपकी एक जेल हिस्ट्री रही है, जेल हिस्ट्री रही है, क्या है वो हिस्ट्री बता दीजिए, तो मतलब बात डिकोड करने में आसानी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे ऊपर एक केस लगा था मेरे ऊपर, जिसमें डबल मर्डर लगा था मेरे ऊपर, कि मैंने दो आदमियों की हत्याएं करी हैं, और वह 120 भी लगा था उसका, कि उसका मास्टरमाइंड भी मैं ही हूं, और एक गैंगस्टर एक्ट लगा था कि मैं गैंग को बनाकर मतलब ऑपरेट करता हूं गैंग को, और उस गैंग से लोगों की किलिंग्स कराता हूं। कब की बात है ये? 2011 की है, सितंबर की। देन आप, लेकिन कोई अभी मतलब ऐसा, अभी वो सारे केसेस क्लियर हो चुके हैं, ठीक है सर। तो लेकिन जेल में बहुत सारा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जेल, बहुत सारी जेलें देखने को मौका मिला है मुझे। किस जेल में रहे आप? मैं बहुत सारी 11 जेलों में रहा हूँ। जैसे मतलब बड़ी जेलों का नाम बताएं सर? बड़ी जेलों का नाम सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल, अगर आप देहरादून मान लो, आप तिहाड़ मान लो, आप हरिद्वार मान लो, ठीक है, तो लगभग जितना भी वेस्ट का, नॉर्थ, जितने ईस्ट नॉर्थ के जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो भी चाहे दिल्ली के, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर को कंट्रोल कर रहे हैं, या पंजाब के जो भी गैंगस्टर हैं, ये बढ़ाना उड़ाना सबको, सब 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 ऐसे, मतलब जब तो लॉरेंस का नाम भी नहीं था जिस टाइम 2010, उस टाइम तो सब नीरज वगैरह चल रहे थे, नीरज सेरावत, नीरज बावाना, या आप राठी गैंग का सुन लो, या उस टाइम आप तीन नाम बड़े फेमस थे यूपी के अंदर, आप संजीव जुआ मान लो, या सुनील राठी मान लो, सुशील वा मार दिया उसको, और एक मुन्ना बजरंगी, ठीक है, जो आप शायद जो एक किशन राव हत्याकांड में भी उनका हाथ था, किशन राय में ना, किशन राय हत्या में भी उनका हाथ था, लास्ट में एक बाकी किशन राय में था, अनिल राय, बहुत बहुत बिल्कुल 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 एक, तो जेल के अंदर से जो क्राइम, तो जेल से ऑपरेट होती है, और बहुत इजी है, दुनिया के अंदर सबसे आसान है जेल से क्राइम ऑपरेट होना। अच्छा, कैसे? सबसे इजी, देखो
क्राइम करने के लिए आपको कौन चाहिए? क्रिमिनल चाहिए सर, अंदर मिलेंगे तो क्रिमिनल तो अंदर ही मिलेंगे, एक भी सज्जन व्यक्ति तो जेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो आपका 90% काम तो इजी हो चुका है, क्योंकि अगर पहली बार आप किसी को बोले यार जो गलत काम करना है, फर्स्टली किसी जैसे मुझे देखो मुझे एक रिक्रूट करना है क्रिमिनल को, जैसे एजेंसी में भी हम रिक्रूट करते हैं, आर्मी भी रिक्रूट करती है, दुनिया की एयर फोर्सेस में हम किसी ना किसी को लेते हैं, अब जर्नलिज्म में भी किसी को लेंगे, तो किसी को भी अगर हम बोले यार तुझे क्राइम करना है तो पहले बोलेगा क्या पागल है क्या, स्टूडियो से बाहर निकल के बोले तो हो सकता है ना बोले, जेल की बैरक से निकल के बोले तो कोई रेडी हो जाए। तो जेल के अंदर जिस आदमी ने पैर रख लिया तो वो पहले ही क्रिमिनल है, चाहे वो बाद में इनोसेंट प्रूफ हो जाए, अगर उसने नहीं किया है तो न्यायालय से प्रूफ हो जाएगा। तो जेल के अंदर क्या है, जो नए लड़के आते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो जेल के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं या जिन्होंने जेल को अपना घर बना लिया, 10-10, 15-15 साल से जेल में रह रहे हैं, सबसे पहले उन्हें जेल के अंदर रहने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अच्छा, मतलब जेल में बहुत पैसा, जेल का स्वीट में अगर बोलूँ तो शायद दुनिया में 12-13 लाख रुपये का सबसे बड़ा स्वीट होगा, तो जेल का कमरा उससे भी महंगा होता है। मतलब कितनी एक दिन का चार्ज होता है? नहीं नीचे आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप सपोज कि कोई आदमी है वो जेल के अंदर गया, अगर उसको उस बैरिक में डाल दिया जिस बैरिक में रहने के लिए 20 लोगों की जगह है और उसमें 200 लोग रह रहे हैं तो कैसे रहेगा वो? तो उसको पैसा देना पड़ेगा, मुझे एक ढंग की जगह रह लो कर, मतलब एक अच्छी जगह, मतलब जेल तो जेल ही है लेकिन एक कम्फर्ट जोन में रह लेगा आराम से, कि जहाँ 20-25 लोग रह रहे हैं उस बैरिक में ठीक ठाक रहेगा, जो हर चीज के लिए पैसा है जेल के अंदर। कोई लड़का जेल के अंदर आ गया और देखा कि जो बड़े गैंगस्टर्स हैं तो उनके जो चेले चपाटे होते हैं बोलते हैं ऐसे लड़का आ रखा है और वो 307 में आ रखा है, चोरी में आ रखा है किसी भी केस के अंदर, तो उन्हें लगा यार 307 करके आया तो चाकू मार के आया, लड़के में हिम्मत तो है ठीक है, मतलब चाकू मार लिया तो उसका मतलब खुला हुआ है चाकू, कल किसी को गोली भी मार सकता है। तो पहले पता करते हैं, काम कर इसको बुला कर लें। तो उससे पहले क्या है कि कुछ एक जेल के कर्मचारियों को या दूसरे गैंगस्टर्स को जो उनके नीचे काम करते हैं उस लड़के को थोड़ा परेशान करवाते हैं। परेशान कैसे करवाना, जैसे जेल के अंदर साफ सफाई करवाना, टॉयलेट साफ करवाना ठीक है, मतलब रात भर सोने ना देना कि भाई रात को तो ड्यूटी देगा पहरा देगा करके। तो एक दिन के अंदर लड़का बहुत हरासमेंट हो गया उसको, तो उसको देन बड़े गैंगस्टर बुलाते हैं अपने पास, बैठाते हैं थोड़ा सा, क्या आया केसेस के बारे में पूछते हैं। तो बेचारा पहली बार उसने जेल देखी हुई है, जेल से वैसे ही डरा हुआ है वो, तो उसको कम्फर्ट जोन में लेके आते हैं, क्योंकि जो उसने रात को खाना खा रखा है, मतलब वो खाना तो घर का अगर आप किसी नॉर्मल जानवर के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा उसको, तो उसको अच्छा अच्छा खाना दे दिया, कंफर्ट जोन में लेके आ गए। तो उस लड़के को लगा कि यार जेल के जो सारे लोग हैं इस भाई को सलाम कर रहे हैं, जो बड़े जो मतलब जेल के कर्मचारी हैं उससे भी भाई करके बात कर रहे हैं, उसको लगा दुनिया में जो है भाई है करके, इससे बड़ा कुछ नहीं है करके, और उसको बोला कि दिक्कत मत ले, तेरे खिलाफ जो भी केस है जो उसमें कोई गवाह नहीं आएगा करके ठीक है। वो सीधे अपने लोकल जो उनके लोकल बाहर लोग काम कर रहे हैं बोले भाई इस लड़के की तारीख का ध्यान रखना, वकील को बोलो उसकी बेल कराओ और इसके केस में गवाही नहीं होनी चाहिए, गवाह को समझा दो मैंने बोला है। अब जो बेचारा बाहर उसके खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी था, अब एक बड़े भाई का फ़ोन आ गया तो बड़ा डर के मारे यार एक बड़े गैंगस्टर का कॉल आ गया, तो वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं गवाही देने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, वो लड़का पूरा उनके कंट्रोल में आता है, उसको लगता है क्राइम कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है करके, उसके अंदर से डर हट गया पहली बार, क्योंकि उसने क्या है वो 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना जेल के अंदर रहा है, उसको मतलब जेल जेल लगी नहीं है, जैसा खाना उसका घर पर है वैसा ही खाना है ठीक है, उससे भी अच्छी सुविधा घर में, तो शायद वो लड़का कभी कभी अपने बर्तन कपड़े भी धो लेता होगा या कपड़ों में प्रेस भी कर लेता होगा, वहाँ तो 4 लड़के उसके कपड़े धोने वाले भी आ गए, प्रेस करके भी आ रहा है, खाने के बर्तन भी नहीं उठा रहा हो, तो उसके लिए जेल का पहले था उसको जेल का डर ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उसके लिए जेल जेल ही नहीं है, अब वो जब बाहर आएगा ना तो उसके अंदर दुनिया का देखो आप क्राइम करता है, दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी लड़का क्राइम करता है, दुनिया का कोई भी आदमी क्राइम करता है, वो किससे डरता है? वो डरता है कानून से और जेल जाने से। उन्होंने पहला ही गेम क्या कर दिया, साइकोलॉजी गेम क्या कर दिया, जेल का डर खत्म कर दिया। तो अब आप डरोगे किससे? कल वो कितना भी बड़ा क्राइम करेगा उसको पता है कि मैंने कहाँ जाना है करके, तो उस जाने के लिए तो मेंटली पहले ही तैयार है ना, क्या तो वापस निकल जाऊंगा करके, तो उनका तरीका है सर काम करने का, एक रिक्रूटमेंट करने का तरीका हो गया कि कैसे वो लोग अपने गैंग के अंदर। और दूसरा क्या है, उस लड़के के ऊपर उन्होंने खर्च कर रखा है, सपोज करो एक दो महीना अंदर रहा वो लड़का, उसके ऊपर 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए ठीक है, उसका पैसा खुद ही भर दिया, जेल प्रशासन को दे दिया, काम नहीं करवा रहे अच्छा खाना खिला दिया, 2-4 अच्छे कपड़े भी मंगवा दिया उसके लिए, जब बाहर जा रहा तो जाते समय भी 10-20 हज़ार रुपये पकड़ा दिए, तो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। और बाहर जाने के बाद बोलेंगे एक काम कर, 2 बंदे तेरे को मिलेंगे, कोई भी मिलेगा, वो तेरे को वेपन देगा, फलाने बंदे के वहाँ फायर मार कराना करके, एक भाई उस जेल का तो डर खत्म है ना उसके अंदर, अब वो जाएगा भाई के बताए हुए घर के अंदर जाके फायर मार के आएगा ठीक है, किसके अंदर फायर मारा क्यों मारा उसे कुछ नहीं पता, उसे ऑर्डर फॉलो कर रहा है किसका, भाई का अंदर से। जिस फायर आया अगले ने उस बिजनेसमैन को बोल दिया भाई देख ये गोली तुझे भी लग सकती थी करके ठीक है,
अब उसने बिजनेसमैन से जितना भी उसकी औकात है, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ वो मांग लिए। एक क्रिमिनल ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ ले लिए किसी से। एक तरीका है काम करने का सर, और ये चैन बनती जाएगी, ये चैन खत्म ही नहीं होगी। अब जब वो लड़का बाहर जाएगा, जो जेल से भी गया 1 महीने के बाद, वो बाहर पहले कुछ भी नहीं था, भाई ने उसको एक बाइक भी दिलवा दी, तो जो 3 लड़के उसके साथ में, वो बोल रहे हैं हम तो इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं 15,000 की, हम कुछ नहीं कर पाए, ये 2 लाख की बाइक भी कहाँ से लेके आ गया। ठीक है, उसके तरीके भी चेंज हो गए, कपड़े भी ब्रांडेड पहनने लग गया वो, तो उसको देख के 3 लड़के और उसके साथ आ गए, तो क्राइम के और बढ़ने का तरीका है, सिंडिकेट बनता जाएगा। अच्छा, आपने भी बताया कि जो भी बड़ा भाई है उसने बाहर फोन किया कि भाई इसके गवाह बना है, मतलब वो फोन ऑन किया तो मतलब जेल में फोन की बात कर रहा है। बिल्कुल, अब मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल तक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मैं हम लोग लॉरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आदमी जेल में बैठे बैठे पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है, पत्रकारों पे और जेल प्रशासन पे अधिकारियों पे केस वगैरह हो रहे हैं। जेल में फोन की तो बातें हम लोग सुनते हैं, हम जेल में वीडियो कॉल की बातें एकदम कंफर्टेबली आधे आधे घंटे का इंटरव्यू देना, ये सब कितना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये सब? सर पहले, सबसे पहले हम दोबारा आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर कि जेल से इंटरव्यू देना। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि इंटरव्यू दे क्यों रहा है, इसका एक रीजन, क्यों इंटरव्यू क्यों देना चाहता है, ताकि वो इंटरव्यू दुनिया देखे, ये तरीका है सर। एक देखो, क्राइम का तरीका है कि अपने आप को कैसे बड़ा बनाया जाएगा करके, ये एक तरीका हो गया उसको, मतलब पब्लिसिटी पूरी दुनिया में वैसे ही मिल गई ना, कि उसका इंटरव्यू वायरल हुआ, दुनिया ने देखना शुरू किया, भाई वो तो जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहा है, जेल में तो उसके ये हैं करके, वो अपने फायदे के लिए दे रहा है। एक क्रिमिनल कुछ भी क्राइम करता है, आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों का ट्रेंड है भाई मैंने गोली मारी है करके। ठीक है, आजकल तो लोग सोशल मीडिया में लेने लग गए, ये कांड मैंने किया है अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो मतलब वो अपने आप को बड़ा दिखाने के। सर देखो, क्राइम एक बिजनेस है, क्राइम तो क्राइम ही है, जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि यार अब तो मेरा, एक आदमी को पता है मैं जिंदगी में बाहर नहीं आऊंगा, ठीक है मेरे ऊपर कई हत्याएं हैं यार, एक हत्या में भी उम्र कह दे, मेरे ऊपर तो कई हत्याएं चल रही, मैंने जीवन भर अंदर ही रहना है, लेकिन अंदर रहने के लिए मुझे नीड है पैसों की, भाई मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। तो ये तो चलता रहेगा, तो तरीका है। तो जेल के अंदर ऐसा, अगर वो वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है, वो मोबाइल उस तक पहुंचा है किसी ने, वो कितने लेयर्स को पार करके गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक कोई भी बंदा, ए नाम का आदमी एक मोबाइल लेके आया, उसने जेल के गेट पर दिया, तो पहले जेल के आउटर सिक्योरिटी ने पूरा सामान चेक किया, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस सिक्योरिटी से निकल गया वो। ठीक है, गेट नंबर 1 भी होगा, गेट नंबर 2 भी होगा, गेट नंबर 3 भी होगा, कम से कम 6-7 सिक्योरिटी को पार जाने के बाद वो मोबाइल उस तक पहुंच रहा है, तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, और हर आदमी का पैसा बंधा भी, हर आदमी का पैसा। उससे भी बड़ी चीज, भारत सरकार ने इतने पैसे खर्च कर रखे हैं जैमर्स के ऊपर, लेकिन जब आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपका जैमर्स काम नहीं करता। उस टाइम कोई ना कोई तो आदमी होगा जो उस टाइम जैमर्स को उसने स्विच ऑफ किया होगा, या उसने ऐसी जगह बताई होगी कि जिस जगह पर जैमर्स काम नहीं करेगा, तो कोई ना कोई तो होगा। देखो, ये लॉरेंस या उसके गैंग के लोग तो नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन का कोई ना कोई आदमी उसमें मिला होगा जिसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब इजी कितना है, मतलब अगर पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। सर पैसा है तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, हर चीज हो सकता है, सब कुछ। अच्छा, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने जैमर अमर की बात की, जिसमें बाबा सिद्दीकी के बाद भी पप्पू यादव का बयान आता है, जो पूर्णिया के सांसद है, उन पर कहा जाता है कि जैमर का 1 मिनट बंद करवाने के लिए 1 लाख लगते हैं, भाई ने तुमको जैमर बंद करवा के फोन किया था, पप्पू यादव ने जिसने धमकी दी थी, उसने लॉरेंस के बारे में इस तरह से दावे किए थे। ये नहीं कह रहा हूँ ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये दावे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जब हम बात कर रहे हैं, तो लॉरेंस की संलिप्तता कितनी, कहाँ तक सुनाई देती है, क्या समझ में आता है आपको अपनी रीडिंग से? सर देखो, यू आर इन दिस जोन एंड आप क्लोजली चीजों को फॉलो कर रहे हैं, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी तमाम चीजों को, उसकी संलिप्तता कितनी कैसे दिखाई देती है? उसके भाई अनमोल विश्नोई का नाम आ रहा है, बराड़ के लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन बाबा सिद्दीकी और सलमान खान इन दोनों को क्लब करते हैं, तो लॉरेंस विश्नोई, देखो आप लॉरेंस को अभी हम साइड कर देते हैं, क्योंकि लॉरेंस क्या है, तिहाड़ तक जब तक चल रहा था, मुझे लास्ट 14 मंथ का, मैं नहीं मानता कि साबरमती जेल जाने के बाद लॉरेंस की कोई भी चीज बाहर आई है करके। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जब से, चलो तिहाड़ से जो भी हुआ उसके ऊपर सीआरपीसी की 268 लगा के उसको साबरमती लेकर गए, ठीक है। अब लॉरेंस का आप 14 महीने से ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखा सकते कि लॉरेंस डायरेक्ट तरीके से किसी के साथ टच में था।
यहाँ तक कि आप 14 महीने के अंदर ये भी नहीं दिखा सकते कि लॉरेंस का कोई पर्सनल रिलेटिव वाला भी उससे मिलने के लिए गया। मैं लास्ट 14 मंथ की बात बता रहा हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पर लॉरेंस तो हो गया साइड में, लॉरेंस था जेल के अंदर, लेकिन उस हमेशा क्या होता है, एक तरीका होता है क्राइम का। मैं आपको क्राइम का तरीका बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं एशिया की बात करूँ, मैं यूरोप और वेस्टर्न को छोड़ देता हूँ, तो हम एक बड़े गैंगस्टर को, हम दाऊद को लेकर चलते हैं। दाऊद क्या है, एक चेहरा है। आप मानते हैं एशिया का सबसे बड़ा गुंडा वही है इस समय, अपराधी इस समय, एशिया के अंदर, एशिया के अंदर, एशिया के अंदर, हम वेस्टर्न नहीं जाएंगे, नहीं तो रशियन माफिया, एशिया का सबसे बड़ा अपराधी वही है, अपराधी वही है। ठीक है, हम लेते हैं दाऊद को। देखो दाऊद एक चेहरा हो गया, हम दाऊद के राइट हैंड पर आ जाते हैं, शकील के ऊपर, छोटा शकील के ऊपर आ जाते हैं। छोटा शकील कितना भी बड़ा काम कर दे, वो दाऊद से ऊपर नहीं जाएगा, उसको दाऊद का चेहरा यूज करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है उसकी। आप अंडरवर्ल्ड में राजन ले लो, राजन कितना भी बड़ा ले ले, लेकिन वो दाऊद से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्राइम का एक रूल है। क्राइम का रूल क्या है, जैसे लॉरेंस का नाम चल गया, लॉरेंस का नाम चल गया हर जगह की, लॉरेंस लॉरेंस करके। अब अगर अनमोल भी लॉरेंस के ही पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे लॉरेंस नहीं, मतलब अनमोल नहीं मिला 14 महीने से, ठीक है, लेकिन अब वो क्या करेगा, जिन लोगों को भी बोलेगा मुझे हायर करना है, किस गैंग के लिए काम करना है, तो मैं बोलूँ यार कि मुझे, मैं ही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं बोला यार अनमोल के लिए काम करना है, 4 आदमी बोले कौन अनमोल यार पहले, तो उसको किसका नाम लेगा, लॉरेंस का। वही डी कंपनी का कितना भी पावरफुल आदमी हो, एक छोटा शकील भी अगर किसी को क्या बोलेगा कि भाई का काम है करके, वो ये नहीं बोलेगा मेरा है करके। थर्ड पर्सन आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिसने छोटा शकील का नाम ही नहीं सुना, लेकिन 93 के बाद पूरा गैंग वही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन चेहरा कौन है, दाऊद को तो हजारों चीजें पता भी नहीं होंगी इसके नाम पर हो रही है करके, बस इस सेम लॉरेंस को ही नहीं पता होगी कि ये चीजें भी हो गई करके, लॉरेंस को भी नहीं पता होगी ये चीजें हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 2 शूटर्स या 3 लोग जो बाबा सिद्दीकी को मारना है, वो कभी जिंदगी में फेस टू फेस मिले भी नहीं होंगे लॉरेंस से। उन्हें जैसा बोला, उन्होंने वैसा स्टेटमेंट दिया। अगर मैं एक आदमी को ये बोल रहा हूँ कि यार किसी से मिला, मैं बोलता हूँ यार मुझे लल्लन टॉप वालों ने भेजा है और एक काम उनके लिए करना है, मैंने बोला है ना, वो तो कभी लल्लन टॉप आए भी नहीं, वो वही चीज बोलेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने लल्लन टॉप के लिए काम किया करके। तो सेम वो चीज क्या बोल रहे हैं कि मैंने लॉरेंस के लिए किया करके, जबकि अभी महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी चार्जशीट पर कहीं लॉरेंस का नाम नहीं डाला है, है ना। लेकिन अब कि आज आप बताते हैं कि मेन मैंने आपको बोला कि फेस लॉरेंस को बना रखा है, क्योंकि वो चल रहा है सर, उसके नाम पर पैसा भी आ रहा है, चीजें भी आ रही है, सब लॉरेंस के ऊपर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मेरा लास्ट सवाल है ये, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पहले बिल्कुल जो लोग भी क्राइम को फॉलो करते थे या क्राइम की बीट की पत्रकारिता करते रहे, उनको छोड़ के किसी ने लॉरेंस का नाम इतने बार नहीं सुना। बिल्कुल, आपको सिद्धू मूसेवाला को जब दिन दहाड़े गोली मार के उसको गिरा दिया जाता है, तब आप सुनते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गुंडा है, गोल्डी बरार नाम का एक गुंडा है। सर ये देखो, क्राइम का एक रूल है दुनिया का, क्राइम के अंदर जब भी कोई आदमी एंटर करता है ना, वो कहता है कि एक बहुत बड़े आदमी को धमकी दे दो। तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कल तक दुनिया में जो भी मतलब क्रिमिनल आ रहे हैं या आएंगे, देखो क्राइम तो आरंभ से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, कोई धरती में ये नहीं बोल सकता कि मैं क्राइम को खत्म कर दूंगा करके। बस क्राइम के तरीके चेंज हो जाएंगे, चेहरे चेंज हो जाएंगे, हाथ चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्राइम चलेगा। अब एक क्रिमिनल बहुत बड़ा है कोई, या कोई भी क्रिमिनल हो या एक्स वाई जेड कोई भी बहुत बड़ा नाम है, आप उस नाम को टारगेट करते हैं, उस नाम को थ्रेट करते हैं, जितनी उसकी पब्लिसिटी है वो टोटल आपको आ जाती है। लॉरेंस के ऊपर सिद्धू मूसेवाले से पहले भी, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, 79 केसेस हैं। हम 4 केसेस को छोड़ के हम बाकी के 75 केसेस पर बात क्यों नहीं करते, किससे पूछो ना बाकी के 75 केसेस क्या थे, क्योंकि थ्रेट या किल एक बड़े लोग हुए, बड़े केस से आप चर्चा में आए, ये दुनिया का दस्तूर है सर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने यूपी के सीएम को धमकी दी, वो अपने आप हाईलाइट होगी पूरे इंडिया में, क्योंकि उसने धमकी किसको दी है, यूपी के सीएम को दी है। मतलब क्राइम का एक लोगों का जो क्रिमिनल है वो सोच समझ कर, वो साथ में पता है करना क्या है, जैसे आज ही बात हो रही है शाहरुख खान को धमकी दी गई है, धमकी दी है ना टीवी पे चल रहा है, बस जो जिसने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शाहरुख की वजह से वो फेमस हो रहा है, फेमस कौन हो रहा है, शाहरुख की वजह से इसने वो धमकी दी है। तो इनका तरीका है सर कि एक बड़े टारगेट को टारगेट करो, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम कुछ नहीं करोगे, बस उस नाम का खाओगे,
मतलब क्राइम में दुनिया में एक चीज और है कि भाई टेंशन मत, लोग क्या बोलते हैं, अब तू कुछ मत करना, तूने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, तू इस नाम का खा। ये भी है तरीका जेल में बोलने का, जब जेल से कोई बड़ा क्रिमिनल जाता है बोलते हैं कुछ मत करना, तू इस नाम का जिंदगी भर खा लेगा। ये तरीका है उनका, क्योंकि वो एक काम कर चुका है, तुझे कुछ तू काम उस नाम का खाएगा जिंदगी भर करके। चलिए छोटा सवाल आखिरी है, इसको सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, जेल में आप रहे किन किन गुंडे बदमाशों को आपने करीब से देखा है, मतलब यू एक्चुअली इनकाउंटर देम कि यार अरे यार ये इतना बड़ा गुंडा है यहाँ पे, देखिए खाना खा रहा है बैठ के दाल चावल। सर मैं गुंडा छोड़ दो, मैं एक बहुत बड़े बाहुबली भी, मतलब इस बहुत बड़े बाहुबली भी कि जो एक टाइम यूपी की गवर्नमेंट चलाया करते थे, जो यूपी की गवर्नमेंट चलाते थे, नाम लीजिए, अब नाम क्या लूँ सर, अब दादरी एक महेंद्र भाटी हत्याकांड हुआ था कभी शायद 92 में, AK-47 चली थी, महेंद्र भाटी हत्याकांड, हाँ ठीक है आप समझ गए होंगे, एक बहुत क्लिक नहीं कर रहा है मुझे भी ध्यान में रहा, क्लिक नहीं कर रहा मतलब है। वो लोग यूपी की गवर्नमेंट चलाते हैं पूरी की पूरी, उनको मैंने मैगी के लिए तरसते हुए देखा है सर, जेल में, जेल के अंदर मैगी के लिए, जेल के अंदर उनका ये शेविंग का वो मैं लेकर आया वहां से, उनका शेविंग करने का गेट पर रोक दिया, एक उन्होंने वो वाला मंगाया था मुझे अभी तक याद है, उसमें एक बैटरी डलती थी जिसे सेविंग करते हैं, एक बैटरी वाली तो उनका गेट पर रोक दिया, तो देन उन्होंने मुझे बोला, तो उस टाइम मैं देहरादून जेल में मैं हुआ करता था, तो मैं जेल स्टाफ के पास गया, मैंने कहा सर सेविंग करके वापस दे देंगे, दे दो करके, ठीक है, तो एक मैंने रेजर अंदर नहीं आने दिया, और जो यूपी की सरकार चलाते थे उनको मैंने मैगी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए देखा है कि मैगी बनवा दो करके, तो बाकी आप छोड़ो सर। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी, थैंक यू आशा है, उम्मीद भी है कि हमारे पास आगे और भी समय हो तो और भी ज़्यादा बातचीत कर सकें आपसे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, मैं हूं सिद्धांत, साथ में थे लकी, कैमरे के पीछे प्रशांत, आप ललन टॉप देख रहे थे, बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बता दीजिए, लिख भेजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।